हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करने वाली हूं। इस रेसिपी को इंस्टेंट पोहे और सूजी से बनाई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। इस टेस्टी रेसिपी को कैसे तैयार करती हूं, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चले तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप पोहे लिया है। एकदम पतला सा पोहा लेना है। इसको हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद इस तरह से प्रेस करके पोहे से पानी को अलग करना है। पानी रहेगा तो बैटर तैयार करने के टाइम तकलीफ होगा, तो इसके लिए ध्यान रखें ज़्यादा पानी ना रहे। उसके बाद एक मिक्सर जार में भीगा हुआ पोहे को डालेंगे और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सूजी लिया है और 1/4 कप दही, थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ता का जो खुशबू है वो इसमें अच्छा टेस्ट देगा। तो इसको धीरे धीरे चलाते हुए अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पोहे और सूजी का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैंने डाल देते हैं एक बोल में। उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हरी मिर्च और लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इंस्टेंट इडली बनाना चाहते हो तो इस तरह से पोहे और सूजी से इडली तैयार करके खा सकते हो। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि तैयार करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हाथ में थोड़ा सा पेस्ट लेकर बॉल बनाकर बीच में उंगलियों से इस तरह से छेद कर देंगे। इस तरह से मैंने बाकी सब तैयार कर लेती हूँ और साथ में इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ना चिपके और ईजीली फूट जाए। बाकी सब तैयार कर लिया है, इसमें एक एक करके रख देंगे। तो इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, देखते हैं। देख सकते हो बहुत ही ईजीली फूट गया है